नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन और खरगोन के दौरे पर रहेंगे। उज्जैन में 5G का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही आपको बता दें कि महाकाल लोक कॉरिडोर और मंदिर से सेवा की होगी शुरुआत। खरगोन में संभाग स्तरीय जनसेवा अभियान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। 684 करोड़ के विकास कार्यों का आज भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाएगा। ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन और खरगोन के दौरे पर रहेंगे। खबर भोपाल से है, जहां पर नई यूथ पॉलिसी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। चुनौतियों को समेटते हुए नई यूथ पॉलिसी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर यूथ पॉलिसी घोषित होगी। यूथ पॉलिसी सरकार ये सरकार उन्होंने कहा कि जो यूथ पॉलिसी है सरकार नहीं प्रदेश के युवा बनाएंगे यूथ पॉलिसी, और इसका खाका तैयार लगभग कर लिया गया है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर पॉलिसी की घोषणा की जाएगी, घोषित होगी ये पॉलिसी, और इस पॉलिसी को युवा तैयार करेंगे सरकार नहीं। योजनाएं प्रारंभ से हमने बनाने की कोशिश की। व्यवहारिक जीवन में जो लोगों के कष्ट देखे, तकलीफें देखी, उन कष्ट और तकलीफों को देख के हमने योजना बनाई। तो एक नहीं, ऐसी कई योजना बनी, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, खेलकूद की और रोजगार की। लेकिन आज भी कई समस्या हमारे युवाओं के सामने है। तो हमने तय किया कि अभी भी हम काम कर रहे थे युवाओं के लिए, लेकिन अब एक फिर नए सिरे से वर्तमान चुनौतियों को समेटते हुए एक नई यूथ पॉलिसी बनाई जाएगी। दिन हमने तय किया 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन ये वाला। लेकिन उस दिन हमारा 11-12 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, NRI का हमारा सम्मेलन है 8, 9, 10 को इंदौर में, और 11 और 12 को है अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो 12 की रात में एक कार्यक्रम में करूंगा, लेकिन एक कार्यक्रम 13 को हमारे बच्चों का किया जाएगा, बड़ा विराट कार्यक्रम है वो, और उसी में यूथ पॉलिसी घोषित की जाएगी। यूथ पॉलिसी सरकार नहीं बनाएंगे, मामा नहीं बनाएगा, आपको बनानी है, आपका योगदान चाहिए। देखिए, आज मैं आपसे योगदान मांग रहा हूं, केवल यूथ पॉलिसी के लिए नहीं, सरकार की योजना जमीन पर नीचे ढंग से लागू करने के लिए। आज मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूं, यूथ पॉलिसी बनाने में यूथ पार्टिसिपेट करे। उसके कई सेमिनार होंगे, गोष्ठियां होगी, विचार आएंगे, कॉलेजेज में भी सुझाव लिए जाएंगे। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, यूथ पॉलिसी बनाने में अधिकतम युवाओं को इन्वॉल्व कीजिए। भोपाल से अगली बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। हुक्का लॉज को बैन करने वाले विधेयक को भी कैबिनेट में मंजूरी मिली है। 1,00,000 नौकरियों का ब्यौरा भी कैबिनेट में रखा गया। साथ ही 88,750 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की ओर कदम बढ़ाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 15 अगस्त तक 1,00,000 नौकरियां देने का लक्ष्य पूरा होगा। ये प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में पास हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर उन्होंने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके लिखा कि ऊर्जा का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। ऊर्जा बचाओ तो हवा, पानी और कोयला भी बचेगा, प्रदेश और देश की बड़ी धनराशि भी बचेगी। ऊर्जा अमूल्य है, जितनी आवश्यकता हो केवल उतनी ही बिजली का उपयोग करें। साथ ही राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर हम सभी अनावश्यक बिजली न जलाने का प्रण करें।